हेलो व्यूअर्स, अद विकास वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं गाय का दूध 1 साल से छोटे बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदायक है, इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, गाय का दूध हमारे इंडिया में माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। अगर किसी भी कारणवश माँ का दूध नहीं बन पा रहा है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सजेस्ट करते हैं कि आप गाय का दूध पिलाइए, आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, 6 मंथ तक हमें बेबीज को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पे रखना है। अगर किसी भी कारणवश आपका माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है तो आप डॉक्टर के सजेशन से फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करिए, ना कि गाय के दूध पे। देखिए, गाय के दूध में जो प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं ना, वो गाय के बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना कि इंसान के बच्चे के लिए। गाय के दूध, माँ के दूध में प्रोटीन 1.3 के अराउंड होता है, जबकि गाय के दूध में 3.3 के अराउंड होता है, जो कि माँ के दूध से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। वहीं अगर आप फॉर्मूला मिल्क में देखेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन 1.3 से लेके 2 के अराउंड दिखेगा। इसीलिए डॉक्टर हमेशा ही माँ के दूध के सब्स्टिट्यूट में फॉर्मूला मिल्क सजेस्ट करते हैं, ना कि गाय का दूध। तो आपका पहला सवाल, क्या 6 महीने से छोटे बच्चे को गाय का दूध देना है? तो मेरा जवाब है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी कारणवश आपका दूध आपके बच्चे के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से फॉर्मूला मिल्क पे स्विच कीजिए, ना कि गाय के दूध में। आपका दूसरा सवाल, क्या 6 से 12 महीने के बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं? तो इसका जवाब भी है, बिल्कुल नहीं। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना है। इस वीडियो में मैं बार बार आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि 1 साल से छोटे बच्चे को आपको गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण होता है कि गाय के दूध में ना आयरन बहुत कम मात्रा में होता है और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है, और 6 मंथ्स के बाद बेबी के डेवलपमेंट के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा ना तो आयरन का एब्जॉर्बेशन भी रोक लेता है। गाय के दूध में आयरन जो ऑलरेडी कम है, अगर आप ऊपर के कोई फूड से, कॉम्प्लीमेंट्री फूड से अगर आयरन रिच फूड भी खिला रहे हैं या आयरन सप्लीमेंट्स भी खिला रहे हैं तो वो कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण उसके एब्जॉर्बेशन को रोक लेगा और आपके बेबी में के शरीर में खून की कमी हो जाएगी। और खून, छोटे बच्चे में खून का कमी होना सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आपका बेबी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा, आपके बेबी का वेट गेन नहीं हो पाएगा, यही सब प्रॉब्लम आपको आयरन की कमी की वजह से दिखेगा। दूसरा, काऊ के मिल्क में प्रोटीन जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यह आपके बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आपका बेबी अगर 1 साल से पहले अगर एक्सेस मात्रा में काऊ मिल्क लेगा तो आपके बेबी के किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इससे उसके किडनी पे लोड पड़ सकता है, उसका किडनी फेल भी हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 1 साल तक हमारे बेबी का किडनी इन द प्रोसेस होता है, वो मैच्योर नहीं होता है, वो इतने ज़्यादा प्रोटीन का लोड नहीं ले पाएगा। तीसरा, कुछ कुछ बेबीज़ को काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है। मतलब ये नहीं कि काऊ मिल्क से ही, काऊ मिल्क हो या गोट मिल्क हो या बफलो मिल्क हो, एलर्जी होती है। इससे आपके बेबी को एक्जिमा, स्किन रैशेज, एलर्जी, ये सब देखने को मिलेगा। काऊ मिल्क अगर 1 साल से पहले आप दे देते हैं बेबी को ना, तो आपके बेबी में कॉन्स्टिपेशन, गैस, लूज मोशन, ये सारे दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1 साल तक बेबी का जो किडनी है ना, इन द प्रोसेस होता है, उतना मैच्योर नहीं होता है कि वो इतना एक्सेस मात्रा में प्रोटीन को ले सके। तो इस वीडियो के माध्यम से गाय का दूध आपके बच्चे के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है 1 साल से पहले, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कीजिए। न्यू पेरेंट्स के साथ या फिर जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स भी है जिनको ये जानना ज़रूरी है, उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।